वेलकम बैक प्रोटेक्टिंग पंडित, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और फिर से आज बात होने वाली है फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। आप हैं हमारे साथ और बात होगी फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। जैसा कि हम हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे, तो हमने कहां तक पहले स्टडी किया था? हमने ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स को स्टडी कर रखा है। हमारा 4 लेक्चर्स उस पे अपलोड है, किस पे? तो हमारे चैनल पॉलिटेक्निक पंडित पे, हमारे परिवार पॉलिटेक्निक पंडित पे। तो आप जाके उस पे देखिए और हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्रॉपर वे में सारा डाटा आप लोगों को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। ये हमारे हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है? सेकेंड यूनिट का, सेकेंड यूनिट का लास्ट लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड यूनिट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज हम भाई साहब हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक बार और आप लोगों को हमारा पॉलिटेक्निक परिवार बहुत बहुत क्या करता है, स्वागत करता है। ये जो है पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा का एग्रीकल्चर का क्या है, एक पेपर है जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं। चलिए भाई साहब आप देख लेते हैं कि भाई हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना क्या है हमें, ठीक है? तो क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे पार्ट को पढ़ लिया है और आज जो हमारे पास आया है वो है डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इट्स टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। भाई हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर और इसके टाइप्स के बारे में अभी स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले कितने टाइप्स के मैनोमीटर होते हैं, कैसे हमने क्लासिफाई किया है मैनोमीटर को, ये सारी चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, पढ़ा रखा है, तो आप जाके उसको देखिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज अ डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड व्हाट इज योर टाइप्स, ठीक है? तो इसके टाइप्स क्या होते हैं और डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर इज सेम एज यूट्यूब विथ मैनोमीटर। भाई साहब मतलब कि डिफरेंशियल मैनोमीटर जो हमारा है वो कैसा है, यूट्यूब मैनोमीटर की तरह है। तो भाई यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, आप जाके देखिए। फिर भी हम बता देते हैं एक बार कि यूट्यूब मैनोमीटर वो मैनोमीटर होता है जो कि प्रेशर को मेजर करती है, ठीक है? उसका शेप साइज कैसा होता है, फिगर कैसा होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप जाके उसको देखिए, ठीक है? तो बात करते हैं कि भाई डिफरेंशियल जो मैनोमीटर होता है वो सेम होता है, किसकी तरह सेम होता है, तो यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब मैनोमीटर, उसकी तरह सेम होता है। और क्या होता है, मैनोमीटर फ्लूइड, बट यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट अ गॉज प्रेशर। भाई जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो यूट्यूब मैनोमीटर की तरह होता है और प्रेशर गॉज को मेजर करता है। अब भाई प्रेशर गॉज क्या होता है, तो प्रेशर गॉज के बारे में हमने बताया है, आप वो भी देख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूं। तो भाई प्रेशर गॉज को क्या करती है, कैलकुलेट करती है। कैलकुलेट करने का मतलब कि जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, कहाँ प्रेशर है, तो किसी भी वैक्यूम में मान लीजिए कितना, जैसे कि मान लीजिए साइकिल या बाईसाइकिल का टायर है, तो उसके अंदर कितना प्रेशर है उसको कैसे मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, प्रेशर गॉज से मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, गॉज से मेजर करेंगे, ठीक है? तो वो जो मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर गॉज। तो इस प्रेशर गॉज को कैलकुलेट करने का काम, निकालने का काम कौन करता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर करता है। कौन करता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर करता है। अब हम आगे देखेंगे, बट डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज टू गेट गॉज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एट डिफरेंट प्रेशर लेवल दैट मेजर प्रेशर इज डिफरेंसेस। कहने का मतलब भाई कि जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर अलग कैसे है, भाई सब तो प्रेशर मेजर करता है लेकिन हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर अलग कैसे है, तो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर तो मेजर करता है लेकिन क्या दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है। दो अलग अलग पॉइंट पे अगर प्रेशर लेवल ज्यादा है, कहीं किसी पॉइंट पे प्रेशर लेवल अधिक है और किसी पॉइंट पे प्रेशर लेवल कम है, तो उसको हमारा कौन, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है, माप लेता है, कैलकुलेट कर देता है। तो हमारे डिफरेंशियल मैनोमीटर का यही काम है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या करना, प्रेशर लेवल को मेजर करना और क्या करना, कैलकुलेट करके बताना, वही हमारा काम है डिफरेंशियल मैनोमीटर का। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि भाई डिफरेंशियल मैनोमीटर कितने टाइप्स की होती है, तो आप सभी को पता है कि भाई डिफरेंशियल मैनोमीटर दो टाइप्स का होता है। जैसे कि हमने क्लासिफाइड करते हुए, क्लासिफिकेशन करते हुए हमने आए, हम जब आ रहे थे तो हम देखे थे कि भाई ये दो प्रकार का होता है, दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है भाई, तो पहला जो हमारा है वो क्या, वो कौन सा है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, साथ साथ बोलना है, ठीक है? कौन सा है,
यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और सेकेंड वाला कौन सा है, तो इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये जो बातें हैं ये प्रॉपर वे में क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से जाके लिख सके, अच्छे से अच्छे नंबर को ला सके। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपका अच्छा नंबर लाने में, अच्छा नंबर आने में, ठीक है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगा। तो ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, तो ये जो हमारा है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, कैसे हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, और ये क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि भाई यूट्यूब और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है। देखिए यूट्यूब हमने लिखा तो ये मत सोचिए कि छोटा सा पार्ट है, यूट्यूब कौन सा, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, और क्या है, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, हमने दो भागों में क्लासिफाइड किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, पहला हमारा क्या है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो भाई यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज टू क्या करता है, मेजर करता है, किसको मेजर करता है, प्रेशर को मेजर करता है, किस, कैसे कैसे, तो डिफरेंस आइदर इन अ सिंगल पाइप एट टू डिफरेंट पॉइंट और बट टू पॉइंट एट डिफरेंस पाइप्स। मतलब भाई सिंपल से समझना है कि हमारा यूट्यूब मैनोमीटर का क्या काम है, हमारे यूट्यूब मैनोमीटर का काम है, क्या काम है, कि प्रेशर को मेजर करना। तो भाई कहां कहां प्रेशर को मेजर करना, तो ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से समझ लेना, दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। तो कौन से दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, किसी भी पाइप के दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर को क्या कर लेना, मेजर कर लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या लिखा है, यूज टू मेजर द प्रेशर, मतलब कि मेजर प्रेशर को मेजर करती है, मापती है, कैसे कैसे, डिफरेंस आइदर अ सिंगल पाइप, पाइप मतलब मान लीजिए कि भाई वो दमकल वगैरह होता है जिससे पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, बहते हुए जा रहा है। तो दो डिफरेंस डिफरेंस पॉइंट पे, क्योंकि पाइप तो एक है, तो उस पाइप के दो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कितना है, उस प्रेशर को क्या करना है, मेजर करना है। तो इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। और इसका यूज करके हम क्या कर लेते हैं, प्रेशर को मेजर कर लेते हैं कि भाई दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, किसी पाइप के दो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ठीक है, किसी सिंगल पॉइंट पे या किसी पाइप के दो डिफरेंट पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर से मेजर कर लेते हैं प्रेशर को। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा इसका डायग्राम होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा क्या है, डायग्राम है। तो डायग्राम में क्या है, ये एक ट्यूब टाइप का आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या नंबर नोटेड है, क्या नंबर नोटेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 9, ठीक है। तो ऐसा प्रेशर नंबर नोटेड होगा, ठीक है, और क्या होगा भाई, ये स्केल लेवल है, जिस पे नंबर नोट है वो क्या है, एक स्केल लेवल है। और क्या स्केल लेवल का काम क्या है, कि जितने भी फ्लूड हमारा क्या है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दो डिफरेंट पॉइंट मतलब इस पॉइंट से हमारा फ्लूड क्या हो, ये जो देख रहे हैं फ्लूड क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा फ्लूड यहां से स्टार्ट होता है और क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर के थ्रू ऊपर जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। देखिए कितने लेवल पे ऊपर गया, 8 पॉइंट पे आया, तो हमने स्केल से क्या कर लिया, प्रेशर को मेजर कर लिया कि भाई 8 पॉइंट तक इसका प्रेशर लेवल है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर भी मेजर्ड, हमने इससे प्रेशर को क्या कर लिया, मेजर्ड कर लिया, ये इंस्ट्रूमेंट लगा के हमने प्रेशर को मेजर कर लिया। और इसको हम बोलते क्या है, तो भाई इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये जो पॉइंट होगा सेकेंड वाला, इस पॉइंट पे जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और इस प्रेशर को हम जो मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर वी मेजर्ड, हमने प्रेशर इस स्केल को लगाकर, इस डिवाइस को लगाकर हमने प्रेशर को मेजर कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो हम बहुत मेहनत से आपके लिए लाते हैं, तो एक लाइक करने में तो कुछ आपका जाता नहीं है, तो भाई लाइक तो कर दो। चलो फिर देख लेते हैं आगे, ठीक है, तो लाइक बनाए रखिएगा, ठीक है, तो लाइक आना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर।